यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ने एक ऐसा रूल निकाला है जिसमें अगर आपके 2.5 लाख वॉच मिनट्स अगर 1 साल में नहीं है तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो बंद कर दिया जाएगा। अगर आपके वापस आ जाते हैं 2.5 लाख, अगर 21 फरवरी 2018 को भी अगर आपके आ जाते हैं उतने वॉच टाइम, तो आप वापस एंटर कर सकते हो उसमें और पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 फरवरी 2019 पे अगर आपके फिर से अगर आपके चैनल पे पिछले इस 1 साल में अगर नहीं रहेंगे 4000 आवर्स, तो फिर से आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। लेकिन समझो, एक बात को समझो, अगर 1 साल में इन्होंने सिंपल सा एक रूल रखा है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको हर रोज़ काम करना पड़ेगा, यानी कि रेगुलर काम करना पड़ेगा, जिसमें अगर आप 1 साल में, 1 साल का जो पीरियड होता है 12 महीने, उसमें अगर आपके 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है तो आपको पैसे कमाने का कोई हक नहीं है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगा कि बिना यूट्यूब के एड्स के आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आप तो पहले आपको फोकस क्या करना है कि आपको 4000 आवर्स जो वॉच टाइम है उसको गेन करना है, तो उससे ही आपका जो सब्सक्राइबर्स जो पड़ेंगे आपके, उससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। कैसे मैं बताता हूँ, देखो, तो अगर आपकी अगर आप 4000 आवर्स का अगर आप पीछा करेंगे तो आपके थोड़े तो आधे तो हो ही जाएंगे, उसमें आपके 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे। अगर आपके 5000 सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे तो ऑफिशियली आप fambit.com से स्पॉन्सरशिप ले सकते हो और काफ़ी आसानी से आपको मिल भी जाएंगे। अगर आपके 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, एक स्पॉन्सरशिप वीडियो के $50 से $100 आपको मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आपके लिए हो सकता है। लेकिन आपके पास अगर उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है तो आप जा सकते हैं pangu.com, एक्सपर्ट्स और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप जाके कुछ प्रोडक्ट्स जो यूनिट्स होते हैं, रिव्यू यूनिट्स, वहाँ पे उनको ईमेल करके उनको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन करके ईमेल थ्रू आप रिव्यू यूनिट मंगा सकते हैं फ्री में और उनका रिव्यू कर सकते हैं। या फिर अगर आपके 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो यूट्यूब के ऐड से आप कितने पैसे कमा रहे थे, 10 हज़ार व्यूज़ के $1 मुश्किल से मिल रहा था, मुझे तो उतना ही मिला, 11 हज़ार व्यूज़ एक वीडियो पे है मेरे, उससे मेरे को मिला है बस 1.96, यानी कि $2 मिला है बस 10 हज़ार व्यूज़ का। तो उतने में मैं कर भी क्या लेता, तो मेरे टोटल चैनल पे 30 हज़ार व्यूज़ है, तो उसके मेरे अभी एडसेंस का जो बैलेंस है वो $4 से $5 है, उससे मेरा तो पे आउट भी नहीं निकलेगा। अगर मुझे अफसोस कब होता, अगर मेरे इस टाइम पे 80 या फिर $90 होते और इस टाइम पे मेरा जो चैनल है वो डिमोनेटाइज होता तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता। अगर उतना जो अगर अगर किसी पर, तो मैं वही बता रहा हूँ अभी, अगर आपके पास $90 है अपने, तो आप इस 1 महीने में इतनी मेहनत करो कि $10 कंप्लीट कर लो और $100 का अपना जो पे आउट है वो जल्दी से जल्दी निकाल लो, और उसके चक्कर में आप शायद आपका जो वॉच टाइम का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लो। समझ रहे हैं ना बात, अगर आपके $90 अगर आपके चैनल पे हो गए हैं तो हो सकता है आपके जो चैनल का जो वॉच टाइम है वो आप ध्यान से नहीं देखे होंगे, आपके जो चैनल का वॉच टाइम है वो काफ़ी अच्छा होगा, तो या फिर 2.25 लाख का वॉच टाइम होगा, आपको 30 हज़ार का वॉच टाइम की बस ज़रूरत होगी, तो आप इस 1 महीने में इतना मेहनत करो कि आपको वो मिल जाए। तो आपको कैसे करना है, स्मार्टनेस से मेहनत करनी है, तो आपको जो अपने वीडियोस है इतने लंबे नहीं बनाने हैं कि 1-1 घंटे का वीडियो बनाओ और एक एक बंदा देखेगा तो 1 घंटे का वॉच टाइम आएगा, तो वैसे आपको नहीं बनाना है, आपको 5 या फिर 7 मिनट का एक वीडियो बनाना है और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना है कि पूरा वीडियो देखिए। अगर एवरेज भी अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आपका कोई वीडियो 5 मिनट का अगर देखता है तो आपका 50 हज़ार व्यूज से आपके 2.5 लाख कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके थोड़े कुछ सब्सक्राइबर्स, मतलब थोड़े कुछ वॉच टाइम अगर आपका रहा है या फिर पूरा भी अगर आप इस 1 महीने में आपको कंप्लीट करना है,
तो आपको एक काम करना है, आपकी जो ऑडियंस है उसको थोड़ा एक्टिव करना है, या फिर अगर आपके कुछ एक्टिव व्यूवर्स है तो आपको लाइव स्ट्रीम करना है। ऐसा लाइव स्ट्रीम करना है, तो मैंने लास्ट में जो लाइव स्ट्रीम किया था लास्ट आदमी, तो उस लाइव स्ट्रीम में मैंने 10 मिनट की लाइव स्ट्रीम की थी और 11 लोगों ने देखा था, लेकिन एक बंदे ने बीच में छोड़ के चला गया था, लेकिन 10 लोग पूरी 10 मिनट की लाइव स्ट्रीम उन्होंने देखी और 10 लोगों का मुझे 100 मिनट वॉच टाइम मिला। समझ रहे हो बात को? जितने ज़्यादा व्यूअर्स आपके वीडियो को देखेंगे, लाइव स्ट्रीम को देखेंगे, एक व्यूअर का आपको अलग अलग वॉच टाइम मिलेगा। अगर आपके 10 मिनट की लाइव स्ट्रीम मैंने की थी, वैसे मुझे 100 मिनट का वॉच टाइम मिला, तो वैसे आप कितने कमा सकते हैं? अगर आपके पास एक्टिव ऑडियंस बेस है थोड़ा सा, आप एक घंटे की वॉच टाइम अगर करेंगे तो सोच लीजिए 10 लोग देखेंगे, एक घंटा पूरा अगर देखेंगे 10 घंटे का आपको वॉच टाइम मिल जाएगा। तो अगर आप डेली एक घंटे की अगर लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आपके व्यूवर्स भी बोर हो जाएंगे। तो आप इस 20 फरवरी तक की जो डेडलाइन है उसके बारे में मत सोचिए, आप आगे के अपने चैनल को ब्रांड बनाने की सोचिए। जैसे आपका चैनल ग्रो करने लगेगा, आप इस 4000 के पीछे भागिए, ज़रूर भागिए। अगर आप इस 4000 आवर्स के पीछे अगर आप भागेंगे तो आपके चैनल को ग्रो करने में काफ़ी आसानी होगी, और ग्रो जब करेगा तब आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं किसी भी कंपनी से, या फिर और भी कुछ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। स्पॉन्सरशिप बेस्ट ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे। अगर आप इस 4000 आवर्स के पीछे दौड़ रहे हो और आपको थोड़ा सा रेवेन्यू भी यूट्यूब से कमाना है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में नीचे बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, यार तबीयत बहुत खराब है, तो मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।